हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। और आप सभी को पांचवा रमज़ान मुबारक हो। और आज पांचवा सहरी है। तो फ़िलहाल अभी मैं बता दूं कि अभी हम लोगों का जो शेड्यूल होता है वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है रमज़ान के टाइम में। और ब्रश करना है पहले, ठीक है? अभी मैं जा रहा हूँ ब्रश करने फ़िलहाल, फिर उसके बाद सहरी करेंगे। और क्या करेंगे तो टाइम कम है, फ़िलहाल जल्दी जल्दी करते हैं। तो और यहाँ पर मेरा ब्रश और पेस्ट रखा हुआ है, तो फ़िलहाल चलो ब्रश कर लिया जाए, उसके बाद फिर आपको मैं बताऊंगा कि मैं क्या खाने वाला हूँ। गाइस, तो फाइनली मैं अपना चेहरा और ब्रश कर लिया और फाइनली मैं बैठ गया हूँ अब सहरी खाने के लिए। तो मैं बता दूँ कि अभी क्या है सहरी में, ठीक है? तो फिलहाल देख सकते हो यहाँ पे, ये है बगड़ खानी रोटी। इसको रोटी कहते हैं, मतलब कि ये पूरा सॉफ्ट होता है, ठीक है? मतलब ज़्यादा उस टाइप का नहीं होता। एक आता है ब्रेड टाइप का, आता है वो नहीं है। ये अच्छा लगेगा इसमें, मतलब मीठा मीठा। और यहाँ पे आप तिल भी देख सकते हो। और ये है दूध और दलिया, दलिया शायद ओट्स, पता नहीं इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। और इसे भी हमने कुछ दाना दे दिया है अभी, मछली को। काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, खा रहे हो ना? हाँ, तुम भी कर लो सहरी, कल रोज़ा रहना है तुम्हें। गाइस, तो देख सकते हो फाइनली मुकम्मल हुआ सहरी। और अब थोड़ी देर में अज़ान होने वाली है और अब हम लोग जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है? तो फिलहाल आज मैं आप लोगों को पूरा रूटीन दिखाऊंगा कि दिन भर क्या करना है और कैसे रहना है। अभी खाने के बाद पानी पीना है, और पानी पीने के बाद जैसे अज़ान होगी कुछ नहीं खाना है, फिर उसके बाद डायरेक्ट शाम में खाना है। तो चलो वज़ू कर लिया जाए, वज़ू की तैयारी की जाए। निकल चुके हैं घर से बाहर और अभी नमाज पढ़ने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और बहुत कम लोग देख रहे हैं, मतलब कुछ कुछ लोग अब आ रहे होंगे धीरे धीरे। तो फिलहाल अभी रोड पे पूरा एकदम खाली पड़ा हुआ और ये दुकान भी बंद है। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ मस्जिद के बाहर और अभी अजान हो रही है। काफी अच्छा, सुने इसे गौर से। गाइस, बताऊं कि मैं रात में नमाज पढ़ने के बाद फिर आया, फिर मुझे आने लगी नींद और मैं सो गया। और फाइनली अभी उठा हूँ 11 बजे। और 11 बजे उठने के बाद अभी मैं जाऊँगा मिसबाक करने। तो मैं बताऊँगा कि मिसबाक क्या है और उसको किस तरीके से करते हैं, और उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, ठीक है? क्योंकि सुबह सुबह ब्रश तो मैंने सुबह ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो और जब सुबह उठने के बाद थोड़ा सा आप जब भी उठोगे तो आपको तो थोड़ा सा दांत में अजीब सा लगेगा ना कि कुछ करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। तो लेकिन रोज़े की हालत में आप ब्रश नहीं कर सकते, समझे? हाँ, नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग मिसबाक करते हैं। गाइस, मैं बताने जा रहा, ये है मिसबाक। और इसको आप लोग ऐसे नॉर्मली ट्रेन वगैरह में भी देखते होंगे, तो इसको लोग दातुन या दतमन वगैरह कहते हैं, ठीक है? तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है। अगर आपके दांत इधर उधर जो निकले रहते हैं ना, इसको अगर रेगुलर करते हैं ना, तो रेगुलर करने से जो है वो दांत जो इधर उधर ऐसे निकले हुए रहते हैं ना, वो बराबर हो जाता है, ठीक है? और तो फिलहाल चलो अभी मैं ये करने जा रहा हूँ। तो ये सुन्नत है हमारे इस्लाम में, और ये भी करना चाहिए हमेशा। और जब भी नमाज का वक्त हो ना, तो उससे पहले थोड़ा सा कर ले, फिर उसके बाद कुल्ली करके वजू कर ले, ठीक है? इससे क्या होगा कि जो भी आपको क्या बोलते बदबू वगैरह होगा मुँह का, वो क्लीन हो जाएगा। सच में भाई, क्या बताऊँ यार, बाहर बहुत धूप हो रही है और रोज़ा रखने में तो मज़ा आ रहा है, मत पूछो यार। आज का तो रोज़ा बहुत ही बिंदास जा रहा है भाई साहब। और इधर आओ, तुम भी इधर आओ यार, तुम्हें क्या चाहिए? तुमने रोज़ा रखा है तो चेहरा वोरा दिखाओ यार, एकदम सुस्त पड़ गया बेचारा, है ना? रोज़ा रख रख के चेहरा सूख गया है ना तुम दोनों का, हाँ? 25-25 रोज़ा हो गया दोनों का। बॉल खाएगा, बॉल खाएगा का, लड्डू है का? ले, 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 ले। कुछ बोलने का नहीं है। क्यों? क्योंकि तू गंदा लड़का है। कौन, ये ना? कुछ नहीं, तू। तू कौन? तेरा नाम क्या है? मैं कमल मामू। अभी देख सकते हो, अभी यहाँ पे रहमत के दुकान में नया नया वो तो बैनर बोर्ड लग रहा है क्वालिटी वॉल्स का, जो कि ये आइसक्रीम वाला आप ठेला देख रहे हो ना, इसका वाला। तो अच्छा, यहाँ पे रिक्शा भी आ गया यार, चलो आगे 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 चलो यार।
तो फिलहाल अभी करो। ओ ले 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 रोजा है, रोजा कितना रोजा हुआ हाँ? तो अरफात कितना रोजा हुआ तुम्हारा? मेरा तो अभी 20 हो चुका है। 20 हो गया? ओ भाई। और मेरा 10। हमारा 10। अनब जो बताया था तुम्हारा। तो और अरमान दिख रहे हो इसमें कैसे, कितना रोजा हुआ? आज रोजा हो? आज रोजा हो कि खो जाओ? इसका मतलब तुमने पहला रोजा रखा सिर्फ ना? चलो अच्छा, बहुत बढ़िया, सही है यार। तो काफी अच्छा लग रहा है माहौल में, और अभी अजान भी हो रही है। भाई नमाज पढ़ने चलना भाई। हाँ नमाज तो पढ़ने जाना ही है हमें, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे हम लोग करते हैं इफ्तार, और ये नीचे वाला हिस्सा है। तो यहाँ पे हम लोग अभी लंबा चौड़ा दड़ी बिछा हुआ दिख रहा है, तो अभी हम लोग दस्तरखान यहीं पे लगाएंगे। और यहाँ पे काफ़ी लोग हो जाते हैं अफ्तार के टाइम में, और ये पहले आ गया महाशय जी बैठ गए। भाई पर दस्तरखान तो लगा, बैठने से कुछ ना होगा। चलो इसको, हाँ चलो पकड़ो, मैं इधर पकड़ता हूँ और पीछे हल्का, हाँ ठीक है। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा काम किया तुमने। हो चुकी है इफ्तार, और इफ्तार के बाद अब मैं थोड़ा सा बाहर आया हूँ, तो यहाँ पे लड्डन बैठा हुआ। और लड्डन कैसे हो भाई? वालेकुम सलाम। और आज 5वां रमजान हो गया, 5वां रोजा कैसा रहा तुम्हारा? बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा ना। और ये वही है ना जो वहाँ से आया है? जापान से आया हुआ काजू भाई। जापान से आया ना? ओहो क्या बात है यार, कल इटली से बता रहा था कोई, आज तो जापान बता रहा है। नहीं भाई जापान से आया भाई काजू है। अच्छा अच्छा, प्लीज तो मैं बता दूं कि अभी हम लोग तरावी पढ़े, और तरावी पढ़ने के बाद फिलहाल अभी ये देख सकते हो ये है कर्पूरी चौक, और यहाँ पे हम लोग आए अभी लस्सी पीने के लिए। तो देख सकते हो ये है रानी लस्सी, और यहाँ का बहुत ही पुराना लस्सी दुकान है और काफ़ी फेमस भी है। तो चलो इनसे मुलाकात करवाते हैं। और अंकल कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया ना। कितने बजे तक रात तक दुकान खुली रहती है आपकी? 10 बजे तक खुली रहती है। चलिए अच्छा है, अच्छा लगा मिलकर। काफी आप पुराने हो यहाँ। सही है ना? आप भी तो पुराने हैं। हम हैं, लेकिन आप हमसे बड़े, तो आप ज्यादा पुराने हुए ना। सही बात है। ठीक है, तो फिलहाल चलो अभी हमारा आ रहा है लस्सी, तो फिलहाल हम बैठेंगे यहाँ पे।